साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर से एक ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री को पेंट्री कार कर्मचारियों ने मामूली से विवाद पर ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे यात्री नीचे जा गिरा और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसकी शिकायत पीड़ित यात्री ने GRP थाना ललितपुर में की है। थाना इंचार्ज GRP ललितपुर को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़ित रवि यादव पुत्र हरनाम सिंह निवासी मोहल्ला नेहरू नगर नरसी गार्डन के पास थाना कोतवाली जिला ललितपुर ने बताया कि 6 अगस्त की शाम वह झांसी से ललितपुर राप्ती सागर एक्सप्रेस से अपनी बहन को लेकर आ रहा था कि तभी गुटखा थूकने पर पेंट्री कार के मैनेजर पर कुछ छींटे जा गिरे, जिससे प्रार्थी व पेंट्री कार के मैनेजर के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान ललितपुर रेलवे स्टेशन भी निकल गया और रवि को पेंट्री कार के मैनेजर ने ललितपुर में नहीं उतरने दिया। इसके बाद पेंट्री कार मैनेजर अपने साथ 3-4 वेंडरों को लाया, जो प्रार्थी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। इसी दौरान मैनेजर ने प्रार्थी को धक्का दे दिया और प्रार्थी चलती ट्रेन से नीचे जा गिरा। पुलिस को रवि ने बताया कि उसके शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं तथा उसका बाया पैर टूट गया है। रवि ने GRP पुलिस से मांग की है कि पेंट्री कार मैनेजर के विरुद्ध मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। क्या नाम है, क्या हो गया आपके? रवि यादव नाम है हमारा जी। क्या हो गया? हमारे साथ ये हुआ, हम गए थे अपनी बहन के लिए लुहाने, तो मतलब हमने मतलब इनसे पानी की बोतल मांगी, ठीक है, ये पेंट्री कार्ड वालों रहती ना, तो हमने बोला भाई हमें पानी की बोतल दे दो आप, तो कहने भाई 20 रुपए की है, हमने 20 की हो चाहे 30 की, हमने तुम तो दे दो आप, ठीक है। तो इनने थूका तो थोड़े हमारे कपड़ों पे छटके आ गए, ठीक है। तो हमने बोला इनसे कि भाई ढंग से थूको, तो कहना वो पिया था शराब, तो बोल रहे बुराए तू शांत बैठ। तो हम भैया कुर्सी पे, हम बहन को लुवाए थी, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, इसने हमें मारा, हमारी टिकट छीन ली, पैसे भी निकाल लिए जेब से, हाँ। और इसने मारा और ट्रेन में लात मारी तो हम बाहर गिर गए, इसलिए हमें लग गई है। और कौन कौन था साथ? हमारे साथ हमारी बहन आ रही थी, तो वो डर के मारे वो उतर गई, जब इन्होंने चैन पलिंग की हमारे दोस्तारों ने, तो वो ड्राइव वो वेंडर लोग थे हमारे जो, उनने देखा कि इसको मार रहे हैं, तो उनने बीच बचाव कराया, हाँ। और वो साथ में भी है हमारी। अच्छा, बहन कहाँ से लेके आ रही थी, कहाँ जा रही थी? हम अपने ललितपुर। अच्छा, कहाँ से? तो इनने हमें उतना उतरने नहीं दिया ना, इनने झांसी से। अच्छा, इनने हमारे लिए 3 पिल्लों सीधी फेंक ही दिया, इनने लात मार दी। अच्छा, तो हमारे लिए भाई चोट आ गई है, मार दिया, और इनने मारा तो बहुत है हमारे लिए, हाँ। और इनने लात मार दी तो गिर गए, गाड़ी थी ट्रेन स्पीड में 70-80 की स्पीड में चल रही थी, वो तो भगवान की कृपा से बच गए। कौन सी गाड़ी थी? राप्ती सागर, वो तो भगवान ने बचा लिया, सब बच्चन का भाग था इसलिए बच गए, हम तो मर ही गए थे। हम 2 घंटा लेन में डरे रहे, वो तो जागो का भगवान ने उठा ला हमें, 2 घंटा डर ले रहे थे, इतनी सी बात है साहब, और हमारी कोई गलती नहीं। और वो दारू भी पिए तो साहब जो। क्या नाम? राजीव यादव नाम है। क्या हुआ, क्या घटना? भैया ये लोग झांसी से ट्रैवल कर रहे थे, और झांसी से आ रहे थे तो कुछ खाना पीना को लेके कुछ विवाद हुआ, उसके विवाद के चलते एक अंकुर यादव है उसको लेके चले गए वो लोग, गाड़ी में रख के ले गए, उसको ट्रेन में से धक्का दे दिया। पेंट्री कार वाले, पेंट्री कार वाले जो मैनेजर हैं वही लोग ले गए। कौन सी गाड़ी? ये राप्ती सागर है। 95 कितने टाइम की बात? ये सर लगभग बात है 7:30 बजे की बात है। 7:15 क्या चोट आई है? चोट आई हुई है, और तब अभी प्रशासन कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है, कुछ भेज ही नहीं रहा है उनको, मरीज को देखिए आप टैक्सी में रख के बैठे हुए, भेजा नहीं जा रहा है, इलाज के लिए नहीं भेजा जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही, सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।